तो गाइस हम लोग जन्माष्टमी के लिए शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं और हम लोग पता नहीं है जन्म में कहाँ क्या मिलता है। चलिए देखते हैं कहाँ मिलता है। तो मार्केट पहुँचते ही ऐसा कुछ नज़ारा मुझे मिल गया देखने को, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो सब कुछ मिल रहा है, इजीली मुझे सब कुछ मिल जाएगा। पर एक ही चीज़ नहीं मिला, वो है झूला। और जो मुझे वो बहुत चाहिए था एक्चुअली, जन्माष्टमी में झूला नहीं है तो फिर क्या है। इसलिए मैं बहुत ढूँढी, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ढूँढी, पर वहाँ यहाँ वो अवेलेबल ही नहीं था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं। तो मैं गई और मुझे एक्चुअली चाहिए था कुछ झूला में छोटा सा कान्हा चाहिए था, बट मेरा नहीं, तो मैं एक बड़ा सा कान्हा ले आई। हे गाइस वेलकम बैक चैनल, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज है क्या है, आज जन्माष्टमी। तो हम लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन कर चुके हैं। एक्चुअली गई थी कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, आयु के लिए। तो कुछ चीज़ें थे पहले से, ये सारी चीज़ें उसका पहले से था। और ये और ये बांसुरी और दिखाओ और दिखाओ क्या है बाबू। हाँ हाँ पहनोगे, सब पहनोगे। ये हाथ के लिए बंदनी लेके आई हूँ मैं, और भी पूजा का सामान कुछ कुछ लेके आई हूँ। तभी हम लोग आयु को रेडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बांसुरी लेके बजाना शुरू है। आयु आयु हाय करो, हाय हाय करो, हाय हाय। ये आयु का लास्ट ईयर का ड्रेस है। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं इस बार खरीदी नहीं क्योंकि ये हो रहा था, तो मैं सोची क्यों अब नया खरीदे। पर ये नेक्स्ट ईयर को बिल्कुल होने वाला नहीं, तो मैं नेक्स्ट ईयर को नया खरीदने वाली हूँ। तो मैं देखते हैं इसको, मतलब मुश्किल से मैं इसको पहना ली हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइट भी हो रहा था उसको। और ये मैं उसका फेस क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा सा मतलब ऑयली हो गया था, मैं सोची थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब इसका मेकअप स्टार्ट करें। देखिए मेकअप, जब जैसे ही वो मेकअप के बाद सुन लेता है ना, तो आराम से बैठ लेता है, तो बिल्कुल बैठता भी नहीं है। देखो अभी आराम से दिखा रहा है उसको, इसको बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसको मेकअप करती हूँ ना, तो आराम से दिखाता रहता है। देखो कितना प्यार से दिखा रहा है, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा वो। देखिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, वो एक ही जगह में बैठ के आराम से वो मेकअप होगा ना, तो उसको आप कभी भी देखे नहीं होंगे, उसको बैठते हुए वो हमेशा इधर उधर भागता रहता है। और देखो कितना खुश भी है मेकअप होके। मैं उसको कुछ ज़्यादा कुछ लगाने वाली नहीं हूँ क्योंकि बच्चा है, तो बता नहीं कुछ केमिकल से रिएक्शन भी हो सकता है। तो मैं इसलिए हल्का फुल्का थोड़ा सा लगाने वाली हूँ, थोड़ा सा उसको पाउडर लगाने वाली हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको गाल में थोड़ा सा, और लिप में ब्लश जो होता नहीं है आता है लिप टिंट करके, जो मैं भी यूज़ करती हूँ काफ़ी टाइम से, मैं यूज़ करती हूँ उसको, उसी को उसका थोड़ा सा चिक में लगा दूँगी और लिप में लगा दी हूँ। तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है, जब भी पता है मैं जब भी जाती हूँ बाहर लगाती हूँ लिप टिंट अपनी लिप पे लगाती, तो मुझे तुरंत बोलता है कि मम्मी मुझे भी लगाना है। तो उसको भी पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ लगाया जाता है। और मैं जब भी अपना मेकअप बॉक्स निकालती हूँ ना, उसको चाहिए ही चाहिए मेकअप बॉक्स, उसको मैं पकड़ा लेती हूँ, बस उसको उससे खेलना है। देखो अभी भी वो मेरा फेस पाउडर पकड़ा हुआ है और खुद से लगा रहा है। यहाँ मैं थोड़ा सा पैर में आलता लगा रही हूँ। यहाँ पे मतलब ये पता है ना, मैं यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था चेन्नई में, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें खरीदी, मतलब सजने का और पूजा करने का जो भी चीज़ें खरीदी सर, उसमें ये भी था। तो इसमें बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है कलर, और उसमें थोड़ा पानी ऐड करके लगाना है। आयु पूरा आराम से दिखा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा हिला रहा था, ज़्यादा हिला नहीं रहा था। पर मैं भी बहुत टाइम के बाद लगा रही थी ना, तो इसको मुझे भी थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। पर फाइनली मैं उसको लगा दी, और सबसे अच्छी बात है वो आराम से वो दिखाया मुझे बैठ के, क्योंकि वो बैठता नहीं ना, मैं बिल्कुल लगा नहीं पाती, बिल्कुल उसका मेकअप कुछ भी नहीं हो पाता, वो दिखाया बोल के सब कुछ हो पाया। और ये सारे ज्वेलरी है, तो इसका जो गले में पहना हुआ है वो था पहले से, और ये जो इयर रिंग है ये मैं कल लाई हूँ क्योंकि इसका ड्रेस का मैचिंग का था, तो मेरे बोले चलो एक नया ले लेते हैं। और जो पुराना वाला था वो टूट गया था, तो वो था नहीं, इसलिए मैं ये कल ले आई थी। उसको थोड़ा सा दुख भी रहा था, तो मैं आराम से उसको पहना रही थी। और आयु हो गया है रेडी, और उसका अभी होगा फोटोशूट। और दही मटकी उसको भी वो फोड़ेगा, पर हम लोग उसमें मटकी में दही नहीं डालेंगे क्योंकि अब अगर उसके ऊपर गिर जाएगा तो, इसलिए नॉर्मल जो आता है मैं खरीद के लाई हूँ कल ही, उसी में दही मटकी उसका करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, पहले फोटो उठाते हैं फिर उसके बाद दही मटकी करेंगे। Let's go.
सो हो गया है शाम और मैं आ गई हूँ भोग बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर के लिए क्या बनाना उसको कुछ दिखाना नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या स्पेशल ऐड करती हूँ। तो फर्स्ट मैं दूध में ऐड करती हूँ केसर, और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं ऐड करती हूँ इलायची, जिस जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। और जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही अभी मैं दूध को बॉयल करूँगी, काफ़ी देर तक बॉयल करूँगी। फिर मैं अलग से चावल को एक सीटी दे देती हूँ, एक दो सीटी, फिर उसमें दोनों को ऐड कर लेती हूँ, मेरा खीर फटाफट रेडी हो जाता है। तो इस तरह मैं खीर बनाती हूँ। तो मैं पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाई नहीं, क्योंकि ये सेम तो चीज़ें क्या बार बार दिखाना। तो इसीलिए मैं अभी इसको इलायची, ज़्यादा पता है मैं इलायची को कूटती भी नहीं हूँ, थोड़ा सा बस उसको तोड़ देती हूँ और उसको ऐड कर देती हूँ। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।